Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advait Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Brindaki Sri Radha Krishna Gop Gopina Sam Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Braj Bhumi Sri Vrindavan Dham Ki Navdeep Mandal Sri Dham Mayapur Ki Purushottam Chhetra Sri Jagannath Puri Dham Ki Jagannath Baldev Subhadra Ji Ki Sri Radharas Bihari Lalita Vishakha Sakhi Ki Sitaram Lakshma Hanuman Ji Ki Nitai Gaur Sundar Ki Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Premanande Haridipo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Praya Suabhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttamasaloke Bhaktir Bhavati Nishthike Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Pashyata Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam ISKCON 10 Adhyay 4 Shlok Sankhya 2 Te Tu Turanam Upavrajya Devakya Garbhajan Tat Achakshur Achakshur Bhojarajaya Udvignaha Yad Udvignaha Pratichhate Tetu Turunam Upavrajya Tetu Turunam Upavrajya Devakya Garbhajanmatat Devakya Garbhajanmatat Achakshur Bhojarajaya Achakshur Bhojarajaya Yad Udvignaha Pratikshate Yad Udvignaha Pratikshate Tetu Turunam Upavrajya Devakya Garbhajanmatat Achakshur Bhojarajaya Yadyugnaha Pratikshate Tetu Turunam Upavrajya Devakya Garbhajanmatat Achakshur Bhojarajaya
yad vidignah pratekshate te tu turunam upbrajya devakya garva janmata achakhyur bhoja rajaya yad vidignah pratekshate. Hare Krishna Bhajan Prabhu. Brajmandal Prabhu padhiye. Brajmandal naam hai. नाम वही है ना पढ़े
अच्छा पढ़े, बड़ा दम में पढ़े। पढ़ लिए शब्दार्थ। ते वे सारे द्वारपाल तो निसंदेह तोरणम शीघ्र उपब्रज्य राजा के समक्ष जाकर। कौन सा राजा? कंस, राजा कंस के पास। देवक्या देवकी का गर्भ जन्म, गर्भ से बाहर आना, तत् उस अचक्षु प्रस्तुत किया भोज राजाय, भोज राज कंस को, यत् जिससे उद्विग्न अत्यधिक चिंतित, प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहा था शिशु के जन्म की। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। दोहराइए, तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक राजा कंस के पास गए और उसे देवकी से शिशु जन्म लेने का समाचार बतलाया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। तात्पर्य, इस भविष्यवाणी के कारण कि देवकी की आठवीं संतान कंस का वध करेगी। कंस अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, इस बार वह जग कर प्रतीक्षा कर रहा था। अतः जब द्वारपाल उसके निकट गए तो वह शिशु को मारने को तुरंत उद्यत हुआ। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कृष्ण अर्धरात्रि में जन्म लिए, कृष्ण पक्ष भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को, तो जन्म लेकर प्रवचन किए। भगवान प्रवचन के ही बहुत शौकीन हैं हमेशा भगवान प्रवचन करते हैं। सूर्य देव को प्रवचन दिए गीता का सर्वप्रथम, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रवचन दिए। भगवान प्रवचन प्रेमी अनेक भक्तों को भगवान उपदेश देते हैं।
तो भगवान जन्म लेकर के अपने माता पिता को उपदेश दिए और अपने पूर्व जन्म के विषय में भी बताए और उनके विषय में भी बताए और फिर उनके निवेदन से बाल रूप धारण कर लिए। लोग कहे कि आप बाल लीला कीजिए, भगवान का बाल लीला बहुत मनोहारी है। यद्यपि भगवान भी बाल लीला का आस्वादन करने के लिए आते हैं। जी गोस्वामी लिखते हैं कि गोलोक में बाल लीला नहीं है, गोलोक में भगवान बाल लीला नहीं करते, इसलिए भव वृंदावन में या अयोध्या में नवदीप में आकर के अपनी बाल लीला का भी आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी कराते हैं। भगवान का जो बाल लीला है बहुत ही मधुर है। माँ यशोदा भी अपने बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करती थी, से दही मंथन समय गाती थी ना, जब दही मंथन गई तो भगवान के पुतना उधार की लीला और भी जो ब्रज में उन्होंने जो विशेष करके गोकुल में जो घटना घटी थी उन लीलाओं को गान में कविता में बद्ध करके गाती थी माँ यशोदा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को ही भगवान की लीलाओं को अपनी भाषा में लोक भाषा में जो जो भाषा जानते हो भाषा में बनाकर गाना चाहिए। माँ यशोदा ब्रज भाषा में गा रही थी, ऐसा नहीं कि केवल बंगाली में ही भजन होता है, जो बंगाली हैं वो बंगाली में गाते हैं, हिंदी वाले हिंदी में गाते हैं, जो भोजपुरी हैं भोजपुरी में भगवान की लीलाओं को गाते हैं। किसी भी भाषा में भगवान की लीला को भक्त लोग कविता करके गाते हैं, ये भक्ति का अंग है। तो माँ यशोदा उसको अपने ढंग से कविता में बनाकर गाती थी। अनेक कवियों ने अनेक विद्वानों ने अपने भाषा में गाया है, से आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत में उसका गान किए हैं, अन्य कवियों ने ब्रज भाषा में लिखा है, कोई हिंदी में लिखा है, कोई भोजपुरी, कोई बंगाली, कोई उड़िया, अनेक भाषाओं में, किसी भी भाषा में भगवान को पुकार सकते हैं। गजेंद्र अपनी भाषा में पुकारा था, काक भुसुंडी जी पक्षी के भाषा में कथा करते हैं, ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही कथा होता है, काक भुसुंडी जी पक्षी के भाषा में कथा करते हैं और वहाँ बड़े बड़े देवता लोग सुनने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, वो अंग्रेजी में करता है तब मैं जाऊँगा, नहीं, काक भुसुंडी जी पक्षी के भाषा में कथा करते हैं। इसलिए गरुड़ जी को जब मोह हो गया, भगवान राम को जब अही पास में सर्प बंधन में बांध दिया था, मैं इंद्र ने बांधा था ना, इंद्रजीत ने ना, तो उस सर्प बंधन को खत्म करने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी सर्पों को खा जाते हैं, सर्पों को मार मार कर खा गए। भगवान की लीला है, भगवान मानुषी लीला करते हैं, मर्त लीला, भगवान होकर के भी भगवान श्री राम मनुष्य की लीला जैसा किए, मर्त लीला, शिक्षा देने के लिए मर्त सामान्य मनुष्य की तरह बंधन में बंध गए, जबकि उन वो बंधन से परे हैं, उन पर कोई बंधन नहीं है, लीला कर रहे थे मानुषी लीला। तो गरुड़ जी सर्प बंधन से मुक्त कर दिए, सर्प बंधन से मुक्त कर दी, लेकिन उनको संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया। एक को सर्प बंधन से मुक्त किए, लेकिन उनको संशय रूपी सर्प जो है ग्रस लिया, उनको संशय हो गया, उनके मन में बहुत बड़ा संशय हो गया कि भगवान कैसे हो सकते हैं जो बंधन नहीं तोड़ सकते हैं, जो बंधन को अपना बंधन नहीं तोड़ सकता है तो दूसरे को कैसे बंधन से तोड़ सकता है, भगवान तो अनेक 84 लाख बंधनों को तोड़ते हैं लेकिन अपने बंधन को नहीं तोड़ पाए। तो गरुड़ जी को शंका हो गया कि ये भगवान नहीं है, से भगवान उखल में बंधे हैं, बंधन को नहीं तोड़ पा रहे हैं।
और रो रहे हैं, तो देखने में ही लगता है कि भगवान ये भगवान नहीं है। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम करम भोज जुग्मे न सातंक नेत्रम। भगवान रो रहे हैं और दोनों हाथ से आँख को मल रहे हैं, मृजंतम। जब बच्चे रोते हैं तो आँख को मलते हैं। करम भोज जुग्मे न, दोनों हाथों से दोनों हाथों को मल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि ये साधारण बच्चे हैं। जसुदा भी वो लुख लब्धा व मानम, कैसे इसके नीचे वाला, रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम काराम भोज जुग्मे न सातंक नेत्र मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा कंठ। और उनके रोने से और सांस लेने से उनके गले में तीन ऐसे लाइन उभरती थी, त्रिरेखा कंठ, उनके कंठ पर तीन रेखाएं उभरती थी, उनके गले में मोतियों की माला भी हिल रही थी। मुहुश्वास, बार बार सांस लेने से, जब बच्चा रोता है तो श्वास थोड़ा तेज हो जाता है। मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा कंठ, तो भगवान होकर के भी यद्यपि भय से आक्रांत हैं, भयभीत हैं, इतना भयभीत हैं कि भय से पूरा फबकी मारकर रो रहे हैं। यह दृश्य देख करके कुंती महारानी को भी विस्मय हो गया था। वही महाभारत के युद्ध के पश्चात कुंती महारानी याद कर रही हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन आपको समझना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं कि आप भगवान हैं कि क्या हैं। आपको समझना बड़ा कठिन है। भगवान इस तरह से राम को अही पास से मुक्त किए गरुड़ जी, लेकिन उनको संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान होते तो इन पर बंधन कैसे होता, भगवान को कौन बांध सकता है। वही भगवान संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो युधिष्ठिर महाराज का संदेश सुनाए कि युधिष्ठिर महाराज ने संदेश दिया है कि आधा दे दो, आधा राज्य दे दो। इस पर भी बात नहीं बनी तो भगवान का एक जाने दो, युधिष्ठिर महाराज के पांच गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी दुर्योधन कहा कि इनको बांध लो, अपने सैनिकों का कि इसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। तो भगवान अपना विराट रूप दिखाया कि इसको बांधो। कोई आकाश को बांध सकता है, जो अनंत है, आकाश अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। भगवान कहे कि बांधो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी रस्सी है, जंजीर बड़ी क्या लाए हो, कौन भगवान को बांध सकता है, जिनमें सारा आकाश सब कुछ उनके अंदर है। ये विराट जगत भी भगवान के अंदर ही है, विराट जगत भी भगवान का एक स्वरूप है। से पताल उनका पैर है, ब्रह्मलोक उनका सिर है, समुद्र उनके नाभि कुक्षी हैं, नदियाँ उनकी मानो धमनियाँ हैं, जितने वृक्ष हैं उनकी रोमावली हैं। इस तरह से भगवान का वर्णन है। तो अनंत को जो असीम है उसको कौन बांध सकता है। उसी भगवान जो विराट रूप को दिखाए, वही भगवान माँ जसोदा बाल लीला में उनके उखल में बंध गए हैं और रो रहे हैं, भिन्न भिन्न लीला करते हैं। वही भगवान आगे गिरिराज जी को उठा लिए, लेकिन उखल के बंधन को नहीं तोड़ पाए हैं। जो पहाड़ को उठा सकता है, उखल उसके लिए क्या है, उखल का रस्सी क्या है, तोड़ सकता है, नहीं नहीं तोड़े। तो भगवान अपने भक्तों के साथ भिन्न भिन्न लीला करते हैं। यहाँ पर जब भगवान जन्म लेकर गोकुल में शिफ्ट हो गए और जोग माया को लेकर के आए, भगवान की बहन के रूप में जोग माया प्रकट हुई थी। जोग माया को भगवान आदेश दिए थे कि आप ब्रज गोकुल में जाओ और ऐसा ऐसा व्यवस्था करो, आशीर्वाद दिए थे
और अपना बहन बनाए, बोले तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। भाई बहन दोनों की पूजा होती है। इस भौतिक जगत में दुर्गा का भी पूजा बहुत होता है और कृष्ण का भी होता है। तो अपने बहन को भी आशीर्वाद भगवान पूर्व में दे चुके थे कि तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, जाओ गोकुल में सब काम करो। पहले कहे कि मेरा अंश बलराम को लेकर देव रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दो। तुम्हारा बहुत नामकरण भी किए, जोगमाया का नामकरण भी किए कि तुम्हारा नारायणी नाम होगा, वैष्णवी होगा, भद्रा होगा, चंडिका होगा, शारदा होगा, अनेक नाम दिए। अब मनुष्य लोग, संसारी लोग तुम्हारी धूप दीप बलि से आराधना करेंगे और उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। बरदेश्वरी, कामेश्वरी, अनेक नामकरण भी किए, इस तरह से उपहार भी दिए। तो वही जोग माया बहन के रूप में जन्म ली थी। तो वसुदेव जी जोग माया को ले आए, ले आए तो जेल में जैसे पहले था वैसे ताले बंद हो गए, बड़े बड़े ताले लगे थे जेल में। अलीगढ़ का ताला फेमस होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो अलीगढ़ से ताला मंगाया था कंस, और बहुत बड़े बड़े वॉचमैन मंगाया था बिहार से, मगध से। बिहार के वॉचमैन फेमस होते हैं। तो उसके ससुर जो है, जरासन ससुर थे, तो जरासन अपने दामाद के सुरक्षा के लिए बिहार से स्पेशल बटालियन भेजा था, स्पेशल बड़े बड़े मूछ वाले, भाला वाले, बड़े बड़े शरीर वाले, पेट वाले वॉचमैन आए थे। मुंबई में भी ज़्यादातर वॉचमैन बिहार और यूपी के ही हैं, ज़्यादा अधिकांश। उड़ीसा बंगाल के वॉचमैन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लड़ाकू बिहार यूपी के ही लोग होते हैं। जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। अब कोई कार्य दे दिए, दे देंगे तो करेंगे, वो ईमानदारी से भागेंगे नहीं। द्वारपाल का काम जो है ना, द्वारपाल बहुत ईमानदार होते हैं। ऐसे भिट्टी में जब अटैक हुआ था ना आतंकवादियों का, तो एक वॉचमैन नहीं मारा था, पुलिस वाला तो गन लेकर भाग रहा था, वॉचमैन ने गन लेकर के वो शूट किया था। कुत्ता को भी द्वारपाल प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कुत्ता भी द्वारपाल है, कुत्ता भी अपना कार्य करता है, द्वार पर रहता है, दरवाजा खुला है तो कहीं नहीं जाता है। और कोई भी अजनबी आदमी आता है तो भौंकता है। अब कहीं जाएंगे उस मोहल्ले में तो कुत्ते जान जाते हैं कि बाहरी आदमी है, गंध से भी घ्राण शक्ति भी उनको। कुत्ता में विलक्षण प्रतिभा है कि गंध से वो जान जाते हैं कि बाहर का आदमी है, और जो उधर के हैं उनको जान जाते हैं कि इधर का आदमी है। कुत्ता भी द्वारपाल है। तो जितने भी द्वारपाल थे कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे कंस के सामने, उसकी चापलूसी करते थे, अजय जय कार करते थे। तो जब जोग माया को वसुदेव जी ले आए तो जेल यथावत सब कुछ बंद हो गया। वसुदेव के हाथ में पैर में हथकड़ी बेड़ी लग गई और जोग माया रोने लगी। तो लीला का विस्तार करने के लिए जोग माया जोर जोर से रोने लगी कि इसका जल्दी अंत हो। जोग माया को लीला विस्तार करना था। तो जैसे ही वसुदेव जी जेल में आए और जेल का दरवाजा सब बंद हो गया, सब कुछ एज इट इज हो गया पहले जैसा, तब जोग माया जोर जोर से रोने लगी। रास्ते में नहीं रोई कि गड़बड़ हो जाएगा, अगर रास्ते में ही रो देती तो मालूम हो जाता गेरे जेल के फाटक कैसे खुल गए, ये तो कोई सेंधमारी कर दिया है। जोग माया बिल्कुल नहीं रोई रास्ते में कहीं। जब अंदर चले गए ले करके, सब कुछ किवाड़ बंद हो गया, बड़ा बड़ा किवाड़ था, तो बड़े बड़े ताले लगे थे, बड़े बड़े वॉचमैन थे कि चींटी को भी जाना ये था, लेकिन सब सो गए। भगवान सबको उल्लू बना दिए, भगवान से बड़ा कौन है। भगवान कहते हैं मैं छलकारियों में दूत क्रीड़ा हूँ, भगवान को कौन छल सकता है। कंस ने इतना बुद्धि लगाया था
इतना चौकसी रखा था, इतना बड़ा बड़ा अलार्म लगाया था कि कोई दरवाजे को टच भी करेगा तो पूरा सायरन बजेगा, लेकिन सब फेल हो गया। भगवान की योजना के आगे हमारी योजना फेल हो जाती है। मन प्रपोजेज और गॉड डिस्पोजेज। हम योजना बनाते हैं, कंस भी योजना बनाया था कि कहाँ जाएगा, इसको मार ही दूंगा, लेकिन उसकी योजना सब धरी की धरी रह गई। अब भगवान जो चाहते थे वही होता है। जो भगवान की इच्छा परम बलवती है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जब मारना चाहते हैं तो काल के रूप में, कालोस में अर्जुन पूछे कि आप कौन हैं, विराट रूप को देख, बोले मैं काल हूं। भगवान का दूसरा नाम काल है। काल मतलब भगवान ही काल रूप से सबको मारते हैं। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है, जिसे स्वयं उसका जीवन बच जाए। जब आवाज सुनाई पड़ा ना जेल में, तो सारे वॉचमैन लोग भागे कि मैं पहले जाकर राजा को खबर दूंगा तो मुझे उपहार मिलेगा, इनाम मिलेगा। जितने वॉचमैन थे सब लोग भागे कि पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, पहले मैं खबर दूंगा राजा को। सबसे आश्चर्यजनक ये चीज था कि कौन पहले जाकर सूचित करता है, तो सब लोग भागे, एक आदमी भी खबर दे सकता था। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखे, सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के शासक राजा के कंस के पास गए। अनुवाद में तेतु तुर्णम उपव्रज्य, ते मतलब वे सारे द्वारपाल, ते मतलब जितने द्वारपाल थे सबको जाने की जरूरत थी, एक आदमी जाकर सूचित कर, लेकिन वो भागने की मैं पहले भाग कर जाऊं, जैसे मंगल आरती भागते हैं ना लोग, नए भक्त लोग हाथ पांव भी टूट जाएगा, बहुत भागते हैं लोग, आराम से आओ, क्या इनाम लूटना है, आराम से आइए, नहीं तो पांव फिसल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग भी भागते थे, मैं भी भागने में एक बार गिर गया था, पैर हो गया था। तो सारे द्वारपाल भागे वाहवाही लूटने के लिए कि मैं पहले जाकर बताऊंगा। पहले जो बताएगा तो राजा शायद खुश होगा, तो प्रमोशन कर देगा कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम किया ना दिया। प्रमोशन के लिए चाहे इनाम जीतने के लिए सब लोग भागे, उसमें आगे पीछे पहुंचे लोग, जो ज्यादा तेज भागता तो पहले पहुंचा, कोई कहा नहीं मैं पहले सूचना दिया। लेकिन कंस का जो काल था वो तो कहीं और चला गया था। प्रभुपाद जी आगे के श्लोक में बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस समय जैसे महामारी है ना, इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। काल भगवान का ही दूसरा नाम है। जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं, जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, अनवांटेड पॉपुलेशन होता है, मांसाहारी, व्यभिचारी, ज़्यादा पाप करने वाले लोग हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, भगवान के विरोधी हो जाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पशु खाने वाले हो जाते हैं, उसी को अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है। और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं, जैसे वर्तमान में हो रहा है। जो वर्तमान में जो महामारी है ये भगवान की ही योजना है। क्यों? कि इस समय सारे लोग नास्तिक हो गए, भगवान को कोई नहीं मानता है। गांव में भी पूछिए, बोले भगवान को कौन देखता है, भगवान खाने को देता है। आप लोग तो मंदिर में है, सब पैसा मिलता है, इसलिए आप लोग जब करते हैं। हम लोग को बोलते हैं, आप लोग तो पैसा मिलता होगा ना,
महीना मिलता है, इसीलिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई भक्ति भी करता है तो लोग सोचते हैं कि इसको कुछ पैसा मिलता होगा, इसीलिए भक्ति में लगा है। कई लोग पूछते हैं कि आप लोगों को कितना तनख्वाह मिलता है, आप लोग इतना क्यों जोड़ दे रहे हैं पुस्तक वितरण पर। हम लोग मेंबर बनाते थे, लोग बोलते थे कि प्रभु जी इतना क्यों आप लोग पीछे पड़ते हैं, कितना कमीशन मिलता है। तो प्रकृति का नियम है कि जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या अधिकांश भगवत विरोधी नास्तिक या व्यभिचारी हो जाती है तो भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं, और काल भिन्न भिन्न रूपों में, युद्ध के रूप में, दुर्भिक्ष के रूप में, बाढ़ के रूप में, महामारी के रूप में आता है। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति भी उसको नियंत्रित करती है, अब प्रकृति कौन है, तो भगवान के निर्देश से कार्य करती है। तो बहुत सुंदर चीज लिखेंगे, जनसंख्या में जब वृद्धि होती है और कौन सी जनसंख्या, अवांछित, अवांछित मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं अनवांटेड पॉपुलेशन, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, और ज्यादातर लोग तो नास्तिक ही पैदा हो रहे हैं। तो भगवान काल रूप में, महामारी के रूप में, दुर्भिक्ष के रूप में, तो जो महामारी है वो ठीक ही है। और जब महामारी आती है तब लोग मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, देखिए, उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इस समय सब लोग भगवान का ही कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोई नहीं भगवान के पास जाता। सब लोग जो नहीं भी जाते तो भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई शिव, कोई वो कौन सा मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र का कोई पाठ कर रहा है, कोई वो पाठ कर रहा है, आए? हाँ, ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, ये मंत्र मृत्यु से बचने के लिए लोग आजकल कर रहे हैं। प्रभुपा जी बहुत पहले ये सब बात लिखे हैं। भगवान को, भगवान काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। तो ऐसे अगर पहले ही लोग भगवान का भजन करें, नियम पालन करने लगें, अपनी गलती को सुधार लें, तो क्यों आपदा आएगी, नहीं आएगी। इतने लोग मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, तो बीमारी आएगी ही ना, आएगी ही। कृपा जी लिखते ही हैं कि जब ज़्यादातर लोग पाप क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं, प्रकृति के नियम की अवहेलना करने लगते हैं, तो भगवान भिन्न भिन्न रूप में, काल के रूप में आते हैं और ऐसे अवांछित जनसंख्या को रोकते हैं, मारते हैं। तो यहाँ पर जब वाच सिक्योरिटी लोग जाकर कंस को कहे, तो कंस जो है तेजी से प्रतीक्षा कर रहा था अपने काल की। कंस भी सोता नहीं था, उसको बहुत भय रहता था, क्योंकि रात को जग जाता था। यह लिखा है कि कंस अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था रात में भी। इस बार वह जग कर प्रतीक्षा कर रहा था, चाहे दिन गिनता होगा, बच्चे प्रायः 9 महीने या 10 महीने पर जन्म लेते हैं, तो माताओं को मालूम रहता है कि इतना दिन हो गया। कोई कोई माताएं मालूम होता है कि आज शिशु का जन्मदिन होगा, या डॉक्टर भी बता देते हैं कि कल प्रसव होगा। तो कंस भी किसी विधि से, वो उसको भी जानकारी था कि आज शायद हमारा काल जन्म लेने वाला है, प्रतीक्षा कर रहा था जग करके। तब तक वाचमैन लोग सूचना दिए तो भागे भागे
जेल में गया और देवकी के उस पहले तो आश्चर्य हुआ कि देवता लोग भविष्यवाणी में आकाशवाणी में कहते कि लड़का हो गए तो लड़की है। कंस को पहले ये हुआ कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं लगता है, वो लोग बोले थे 8वां पुत्र होगा तो पुत्री है, उसको उसको तो यह मालूम नहीं था कि वसुदेव जी चेंज करके ले आए हैं। वसुदेव जी बड़ा खेल करके आ गए थे लेकिन उसको यह मालूम नहीं था। तो कि देवता लोग कैसे झूठ बोल दिए तो लड़की जन्म ली है। तो पहले थोड़ा थथम गया, देवकी कहे कि भैया ये लड़की है छोड़ दो और तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी। आगे क्या श्लोक में लिखा है, तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती सुनुशयम तो कल्याणम, सुनुशयम माने तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी। अनुवाद में लिखते हैं, हे प्रभु असहाय तथा कातर भाव से देवकी ने कंस से विनती की कि हे मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी। मतलब पहले ऐसे विवाह होता होगा तभी ना, ये तो मान लीजिए कंस के बहन की लड़का मतलब और तो क्या होगा, मामा के एक मामा का लड़का और बुआ की लड़की, पहले विवाह ऐसा होता होगा, महाराष्ट्र में होता है मामा की लड़की से लोग विवाह करते हैं, तो प्रथा होगी तभी यहाँ देवकी का सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं ना कि देवकी ने कहा कि इसको मारो मत तुम्हारी पुत्र वधु होगी और तुम्हें शोभा नहीं देता एक कन्या का वध करना, स्त्री का वध करना शास्त्र में निषिद्ध है इसलिए देवकी का वध नहीं किया था। वसुदेव जी कहे कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए, स्त्री कितना भी निंदनीय कार्य करे उसका वध नहीं करना चाहिए, स्त्री को बच्चे को और बूढ़े को गाय को ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए, यद्यपि ब्राह्मण कितना भी गलत कर दे उसका वध नहीं होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा जब अर्जुन अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना कर ले आए तो मरने जा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण जो है समाज का गुरु होता है, अपराध भी करता है उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, उसको अन्य प्रकार का दंड दिया जा सकता है, वध नहीं किया जाता है, गाय को ब्राह्मण को बच्चे को स्त्री को बूढ़ों को नहीं बनाते, इसलिए अर्जुन का वध नहीं किए, उसका शिखा मुंडन कर दिए, वही मृत्यु के समान है, उसका शिखा मुंडन कर दिए, जनेऊ ले लिए, उसका ब्रह्म तेज निकाल लिए। द्रौपदी ने कहा कि गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है, आप इतने कृतज्ञ कैसे हो गए जिन्होंने आपको विश्व विजयी बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा जिन्होंने ले लिया था उनका उनके कृतज्ञता को भूल गए। द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे अर्जुन, अर्जुन के लिए उन्होंने सब विद्या दे दिया था, यहाँ तक कि युद्ध में भी द्रोणाचार्य खुलकर नहीं लड़ते थे, मन अर्जुन को दिए थे, अर्जुन को आशीर्वाद भी दिए थे, युद्ध से पहले अर्जुन अपने गुरु से आशीर्वाद लिए तो द्रोणाचार्य के विजयी भव। वही द्रौपदी कहते हैं आपके गुरु इतने आपके लिए जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी आपको दिए, तो उन्हीं का प्रतिनिधि तो है, आत्मना जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है इसलिए पिता का प्रतिनिधि पुत्र होता है, ते द्रोणाचार्य ही तो हैं अपने गुरु का कैसे वध करेंगे, ये भी ब्राह्मण है नहीं वध करना चाहिए। तो उसी तरह से ये देवकी ने कहा कि ये पुत्री है कन्या है इसका वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं हो सकता है, विष्णु बहुत मायावी है,
वो किसी रूप में भी आ सकता है। तो मारने के लिए चला तो उसके हाथ से छिटक गई और अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। कंस दुर्गा का भक्त था, उसकी कुल देवी भी थी और उसकी आराधना करता था, लेकिन देवी ने उसकी सहायता नहीं की। देवी हाथ से छिटक करके गई और कही कि तुम व्यर्थ क्यों बच्चों को मार रहे हो, तुम्हारा मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। जबकि अपने भक्त के लिए देवी को बता देना चाहिए था कि तुम्हारा शत्रु जो है गोकुल में यशोदा के यहाँ है, और रहस्य को देवी ने नहीं बताया। से शिव जी ने रावण शिव की आराधना करता था, लेकिन शिव जी ही उपाय बताए थे। जब ब्रह्मा जी के सभा में पूछा जा रहा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे कहाँ, तो भगवान को प्राप्त करने के उपाय शिव जी बताए थे। देवता की आराधना करना और भगवान की आराधना करना, भगवान की अगर कोई आराधना करता है तो भगवान पलटी मार नहीं, देवता लोग पलटी मार कर जाते हैं, सारे देवता पलटी मार हैं। दुर्गा देवी ने पलटी मार दी, अपने भक्त कंस को रक्षा नहीं कर पाई, नहीं बताई, बल्कि पहेली जैसा बुझा दी कि तुम्हारा मारने वाला कहीं अन्यत्र जो है, अगर यह कह देती कि गोकुल में ही है और वसुदेव जी ले जाकर अभी रात में वहाँ पहुँचाए और यहाँ वहाँ से पुत्री लेकर आए, वो रहस्य नहीं बताई देवी ने। अगर कोई देवी देवताओं की उपासना करके भगवान से द्वेष करता है तो देवता देवी उसकी सहायता नहीं करते हैं। देवता देवी भी तभी सहायता करते हैं जब कोई भगवान के शरण में जाता है। भगवान के शरण में जाता है तो सारे देवता अनुकूल हो जाते हैं, और भगवान के विरुद्ध कोई चलता है तो सारे देवता उससे दूर हो जाते। जैसे प्रभु जी कहे कि जयंत जो है भगवान से द्वेष किया, जयंत भगवान से द्वेष किया तो कोई उसको बैठने के लिए नहीं कहा। मात मृत्यु, माँ मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, माता पिता के जल्दी भागो यहाँ से, घर में आना मत। कोई भगवान से द्वेष करता है तो कोई भी देवी देवता उसको रक्षा नहीं कर सकता है। अब भगवान के शरण में है तो सारे देवता सहायता करते हैं। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, सब लोग कहे भागो जल्दी यहाँ से, रुको मत। मात मृत्यु पित समम समाना, जयंत सारा तीनों लोगों में बेहाल होकर भागे। भगवान से अगर कोई द्वेष करे तो कंस जो है भगवान के माता पिता से द्वेष किया था, उनके भक्तों से, गाय ब्राह्मण और भक्तों को परेशान कर रहा था, इसीलिए उसकी कुल देवी भी उसकी रक्षा नहीं करी, बल्कि पहली जैसा बुझा। हम लोग बचपन में पहली बुझते थे कि ये पहली बुझाइए, हरदी के गाबगू पीतल के लोटा, आई कहानियाँ बुझानी तो बंदर के बेटा, ऐसे बचपन में बुझौल बुझाते थे। क्या है जानते हैं आप लोग? बेल फल है, बेल का फल जो है ना, पीतल की लोटा ऐसे पहले होता था गोलाकार, और थोड़ा हल्दी के गाबगू, हल्दी का कलर लेकर होता है ना, बेल का फल जब पक जाता है तो लगता है कि हल्दी का थोड़ा सा कलर लगे। हरदी के गाबगू पीतल के लोटा, पीतल के लोटा के आकार का होता है, ये कहानियाँ बुझा। तो पहली की तरह माँ दुर्गा ने बुझा दिया, अब बुझते रहिए। तो इस तरह से भगवान के जो विरोधी हो जाते हैं तो उनकी रक्षा नहीं करते हैं, उनके जो उपास्य देव हैं शिव जी रावण की रक्षा नहीं कर पाए, कंस की रक्षा देवी नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का भक्त था ब्रह्मा जी भी रक्षा नहीं कर पाए। रावण शिव जी को रोज 10 सिर काट कर चढ़ाता था, 10 सिर जो है से गुलाब का फूल देते हैं वैसे 10 सिर काट कर चढ़ाता था। इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा त्याग किया था, लेकिन फिर भी नहीं गए। पार्वती जी ने कहा कि आपका भक्त है, संकट में जाइए रक्षा करिए। जब युद्ध हो रहा था
दे, तो शिव जी कहे कि नहीं नहीं, जो प्रभु से हमारे जो आराध्य हैं उनसे अगर कोई ये करता है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, सब लोग बल्कि प्रतिकूल हो जाते हैं, मित्र भी प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए देवी ने बताया नहीं, उस रहस्य को गोपनीय रख दिया, नहीं तो बता सकती थी कि क्या फेरे में पड़े हो, ये वसुदेव जो है गोकुल में रखाया है और वहाँ से जोग माया को लाया है और जोग माया मैं दुर्गा ही हूँ, तुम्हारी कुल देवी ही हूँ, जाओ ये सब छोड़ दो और बेकार बच्चों को मत मारो, धीरे से गोकुल में जा कर के यशोदा के यहाँ से तुम्हारा बैरी ले आओ, सब नहीं बताई। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी मैं काढ़ा पी रहा था उधर, सभी लोग पी रहे थे, तो कुछ भक्त लोग पूछे कि गुरु बृहस्पति मायावादी हैं क्या, तो मैंने कहा, तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से जवाब दिया, मैंने कहा बाकी महाराज को पूछेंगे। राशि प्रभु की विनम्रता है, सब जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो सारे देवताओं के गुरु हैं, दो गुरु प्रसिद्ध हैं, देव गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो देव गुरु बृहस्पति बहुत बड़े ज्ञानी और भक्त हैं। देखिए, जब एक बार वैकुंठ में गए थे तो भगवान श्री हरि ने उनको अपना माला दिया था, तो माला पहन कर आ रहे थे, तो रास्ते में इंद्र मिले तो उनको वो माला, भगवान का प्रसादी माला दिए, तो इंद्र जो है उस माला को ऐरावत के सूंड सर पर डाल दिए और ऐरावत ने उस माला को लेकर पैर में रौन दिया। यह देख करके बृहस्पति बहुत उद्विग्न हुए और शाप दे दिए इंद्र को कि भगवान का प्रसादी माला का तिरस्कार जो नहीं सहन कर सकता है वो मायावादी कैसे हो सकता है, है? भगवान का प्रसाद माला दिए थे अपने शिष्य को और वो पद के अहंकार में उस माला को जो है हाथी को सिर पर डाल दिया और हाथी जो है पैर से रौन दिया। तो यह देख करके बृहस्पति को बड़ा हुआ कि भगवान का प्रसादी माला उसको सहर्ष और प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, माला जूठा नहीं होता है, माला एक पहना दूसरे को पहना तो माला ये प्रसाद है, जूठा नहीं होता है। तो वही बृहस्पति जो है को साथ दिए थे कि इतना अहंकार, तो बृहस्पति बड़े भक्त हैं, जो देवताओं के गुरु हैं वो मायावादी कैसे हो सकते हैं, विचार कीजिए, मायावादी हम लोग हैं वास्तव में, हमको केवल माया ही, हम माया में इसलिए माया दिखाई देता है, हमारी क्या औकात है कि बृहस्पति में हम दोष निकालेंगे, पहले हम अपनी औकात तो देखें कि हम क्या हैं, है? हम लोग अपनी औकात नहीं देखते, चलते हैं कि हाँ ये मायावादी है तो ये है, हम कौन सा वादी हैं, है? और बृहस्पति जी कोई मायावाद का प्रचार कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। शिव जी मायावाद का प्रचार किए, वो भाई भगवान के आदेश से, तो शिव जी को मायावादी हम बोल सकते हैं नहीं, भगवान ने कहा उनको कि आज से, शिव जी पहले कंठी धारण करते थे, वैष्णव तिलक लगाते थे, तो उनका नकल सारे भूत प्रेत लोग करने लगे, तिलक पहन करके कंठी पहन करके अभक्ष भक्षण करने लगे, तब भगवान ने कहा कि आपके तो सारे भक्त हैं, देवता भी दानव भी, तो दानव लोग भी वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं आपका देख करके और गलत चीज खाते हैं, इसलिए आज से आप ये आभूषण छोड़ दीजिए। तो इसलिए शिव जी रुद्राक्ष पहनने लगे, त्रिपुण धारण करने लगे की रक्षा के लिए, नहीं तो असुर लोग भूत प्रेत लोग तिलक कंठी धारण करके गलत खाने लगे तो नाम खराब हो रहा था। तो इसके लिए भगवान के आदेश से उन्होंने मायावाद
एड्रेस स्वीकार किया, त्रिपुण धारण किए, रुद्राक्ष धारण किए, ज्यादातर मायावाद शंकराचार्य के जो फॉलोअर हैं धारण करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्य विशेष के लिए शंकराचार्य ऐसा कार्य किए थे। तो बृहस्पति जिनके शिष्य उद्धव जी हैं, जो भगवान के समान ही बुद्धि सत्तम, उद्धव जी को भगवान के समान ही बुद्धि वाला कहा, बुद्धि सत्तम, अब भगवान के मंत्री हैं, भगवान उनसे मंत्रणा लेते थे। और वो कहाँ पढ़ने गए थे, तो बृहस्पति जी के यहाँ पढ़ने गए थे। तो बृहस्पति जी कैसे मायावादी हो सकते हैं, जो कहता है वही मायावादी है, ऐसा कहने वाले को ना वास्तव में सोचना चाहिए 100 बार कि हम कहाँ हैं और कहाँ गुरु बृहस्पति हैं। कूप मंडूक की तरह हम हैं, हम क्या सागर को माप सकते हैं, कहाँ समुद्र है, कहाँ बृहस्पति और कहाँ हम धोती ही नहीं पहनना जानते हैं अभी, कॉपी ही नहीं पहनना आता है, तिलक ही नहीं करने आता है, हम क्या ये सब जजमेंट करेंगे। इसलिए बृहस्पति जी मायावादी नहीं है, ऐसा कहना सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है। जिनके बड़े बड़े महान शिष्य हैं, सारे देवता जिनका अर्चन पूजन करते हैं, कहा ना कि बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी हैं, जो भगवान के समकक्ष हैं, बुद्धिमानों में सबसे उद्धव जी का नाम लिया जाता है, जो भगवान को भी मंत्रणा देते थे, भगवान के मंत्री हैं, भगवान उनसे मंत्रणा लेते थे उद्धव जी से। अब आज ज्यादा तो राष्ट्रीय प्रभु ही बताएंगे। अभी प्रसाद के बाद जिसने लेक्चर दिया था पकड़ो उसको, प्रमाण देने को बोलो। महाराज जी आपने कथा में कहा था कि गोलोक वृंदावन में भगवान बाल लीला नहीं करते, लेकिन बृहद भागवतामृतम में एक जगह वर्णन है, जब गोप कुमार जाता है गोलोक वृंदावन, गोपाल मंत्र का जाप करता है, तो वो जब गोलोक वृंदावन गया तो उसमें भगवान गौचारण के लिए गए थे, ऐसी कथा है बृहद भागवत। भगवान कहाँ गए थे? गौचारण के लिए, गाय चराने गए थे। तो जब वो नंद भवन में गया, उसने कहा कृष्ण कहाँ हैं, तो यशोदा माँ बोली कि गाय चराने गए हैं, अभी आने वाले हैं। गोचारण लीला करते हैं, लेकिन जैसे जन्म की लीला, अच्छा अच्छा, या ये बाल लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला, तीन ही है ना? अच्छा, हाँ, तो और सब पौगंड कैशोर ये सब लीलाएं होती हैं, जैसे जन्म लीला से माँ यशोदा पालने में झुलाती हैं कृष्ण को, 3 वर्ष से पहले का जो ये है वो बाल लीला में आता है ना, 5 वर्ष का कौमार है, फिर पौगंड है, फिर कैशोर है। तो इसे जी गोस्वामी लिखते हैं, एक बार मैं ऐसे बोल दिया था तो दिल्ली में प्रवचन कर रहा था, तो मोहन रूपा प्रभु याद दिलाए कि गोलोक में भगवान का बाल लीला नहीं है, तो जी गोस्वामी एक जगह लिखते भी हैं। तो अन्य लीलाएं करते हैं भगवान, गोचारण लीला भी करते हैं गोलोक में, कौमार लीला भी है, पौगंड लीला है, कैशोर लीला है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।